आज की कहानी उन सभी माओं को समर्पित है जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिनके प्यार हमें हरदम मिलता रहा। घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आएगी, ढाल बनकर सामने माँ की दुआएं आएगी। मेरी माँ आज भी पहले जैसी है, रोटी एक मांगता हूँ तो रोटी तीन लाके देती है। हाँ दोस्तों, ऐसी होती है सबकी माँ। दोस्तों, एक माँ सबकी जगह ले सकती है, पर दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो माँ की जगह ले सके। इसलिए कभी भी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, दुनिया में हर रिश्ते में मिलावट देखी, बहुत रंगों की सजावट देखी, पर सालों साल देखा है उस माँ को, पर कभी ना उसके मुंह पर थकावट देखी और ना माँ के ममता में मिलावट देखी। हमेशा पिता की मार से बचाना याद आता है, दिन दुखे तो तेरी गोदी में सोना याद आता है। दोस्तों, आजकल हम बड़े होके इतना बिजी हो चुके हैं कि उस माँ का हाल पूछने के लिए एक कॉल करने का समय तक नहीं होता हमारे पास। हम उस माँ को भूल जाते हैं जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट में पाला था, और उस समय भी मेरी माँ मुझे बिना देखे अनिस्वार्थ प्यार करती थी। इसीलिए दुनिया में सबका प्यार देखा, पर माँ तेरे जैसा निस्वार्थ प्यार दुनिया में किसी में नहीं देखा। आज हम इंसान मंदिरों में पत्थरों की प्रतिमा को स्वादिष्ट मिठाई खिलाने में व्यस्त हो जाते हैं, पर हम ये भूल गए कि भगवान तो वो है जो हमें हर पल साथ दी, वो है हमारी माँ। दोस्तों, आप इतना याद रख लो कि पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ दे, पर आपकी माँ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए इसने क्या खूब कहा है कि मेरी तकदीर में एक भी गम नहीं होता, अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। माँ के जैसी दुनिया में कोई नहीं जो हमें इतना प्यार करता हो। इसलिए जब भी हमें कोई चोट लगता है तो इस जुबा पर सबसे पहले माँ का नाम याद आता है। जब हम बोलना भी शुरू नहीं किए थे, अब ये माँ हमारे बोले बिना सब बातें समझ जाती थी, और आज हम छोटी मोटी बातों पर कहते हैं कि छोड़ो माँ, तुम क्या समझोगे। एक माँ ही एक ऐसा इंसान है जो साल के 365 दिन में बिना पगार के अपने बच्चों के लिए दिन रात एक कर देती है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, मैं खूबसूरत हूँ बहुत, ये मेरी माँ कहती है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि जिसने हमें 9 महीने पेट में और ज़िंदगी भर दिल में जगह दी है, उस माँ की हमेशा कदर कीजिए, क्योंकि लोग अक्सर जीते जी कदर नहीं करते और मरने के बाद पछतावा करते हैं। इसीलिए जिंदा रहते कदर कर लो इस माँ की, क्योंकि मरने के बाद फूलों की माला से क्या करेगी माँ, वो माँ के लिए नहीं, लोगों के मन के शांति के लिए होता है।